दोस्तों, नेवला अफ्रीका का मूल निवासी है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियाँ दक्षिण एशिया और यूरोप में भी पाई जाती है। ये एक ऐसा शिकारी है जो कि किंग कोबरा जैसे घातक सांपों पर भी हमला करने के लिए जाना जाता है। अगर बात करें इसके आकार की, तो इसका आकार प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन एक सामान्य नेवले का आकार 7 इंच तक होता है। और अगर हम इसकी पूंछ को भी शामिल कर लें, तो इसकी पूंछ 6 से 8 इंच तक होती है, जिसके कारण इसका शरीर 14 से 15 इंच तक लंबा होता है। और अगर बात करें इसके रंगों की, तो इसका रंग भी प्रजाति के आधार पर अलग अलग होता है, जिसमें सफ़ेद, भूरे, काले आदि रंग शामिल होते हैं। अगर बात करें इसके स्वरूप की, तो इसके पास लंबा शरीर, छोटे पैर, छोटे कान, लंबी और नुकीली नाक होती है। और अगर बात करें इसकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 30 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नेवलों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेवला एक ऐसी प्रजातियों का समूह है जो कि हर्पेसिडे परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम चार पैरों वाले स्तनपायी ग्रीक शब्द से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये नेवला अपने विकास के शुरुआत में ही दो उप परिवारों में विभाजित हो गया था। ये नेवला विभिन्न प्रकार के आहार खाना पसंद करता है, जिसमें छोटे स्तनधारी जीव, पक्षी, सांप, अंडे और कीड़े शामिल होते हैं। लेकिन इनकी कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है जो कि फल, मेवे और बीज खाने के लिए भी जानी जाती है। नेवले की संपूर्ण प्रजाति उस वातावरण के अनुरूप ढल चुकी है जिसमें ये रहते हैं। अधिकांश प्रजातियाँ स्थलीय है और पूरे दिन भर सक्रिय रहती है। अगर बात करें इनके निवास स्थान की, तो ये नेवले बेल और सुरंग में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें ये खुद बनाते हैं। लेकिन इनकी कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी होती है जो पेड़ों में रहना पसंद करती है। इस नेवले को पुरानी दुनिया का ऐसा जानवर माना जाता है जो आमतौर पर गर्म या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपते हैं। नेवले की सबसे बड़ी आबादी उप सहारा और पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही ये चीन से लेकर एशिया तक एक बड़े हिस्सों में फैल चुके हैं। अगर बात करें इनके संचार की, तो इनके संचार में गंध एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका इस्तेमाल ये अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा ये अपने गंध से अपने इलाकों को चिन्हित करते हैं और सिर्फ गंध के आधार पर ही अपने खतरों को भांप लेते हैं। ये नेवले दिन के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और शिकार करते हैं और अपनी दूसरी प्रजातियों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं। ये नेवले बहुत ही बुद्धिमान और चंचल होते हैं, खासकर तब जब ये एक सामाजिक परिवेश में होते हैं। तो चलिए अब इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका यह मिलन कुछ मिनटों का होता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय कुछ महीनों का होता है और इस दौरान ये अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करती है, जहां ये बिल या फिर सुरंग बना सके। तो जैसे ही इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये अपना बिल बनाना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपना बिल बना रही है।
और जैसे ही इनके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये अपने बिल में बच्चों को जन्म देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अपने बच्चों को जन्म दे रही है। ये बच्चे बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं और ये एक बार में 4 से 5 पिल्लों को जन्म दे देती है, जो प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही सारे बच्चों का जन्म हो जाता है, उसके बाद इनका पालन पोषण एक या दोनों माता पिता द्वारा किया जा सकता है, जिसके बाद ये पिल्ले लगभग 1 महीने तक अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं और फिर इनका दूध छुड़ाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये कई महीनों तक भोजन के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं और इस दौरान ये छोटे स्तनधारी जीव, पक्षी, अंडे और छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और जैसे ही ये 2-3 महीनों के हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने बिलों से निकलकर इधर उधर घूमना शुरू करते हैं और यही वो समय होता है जब इन्हें अपने शिकारियों से सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जिसमें खासकर बिल्ली और शिकारी पक्षी शामिल होते हैं, जिनसे बचकर इन्हें अपनी ज़िंदगी हासिल करनी होती है। और इस तरह ये 6 महीनों से लेकर 1 साल के बीच पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो सामान्य नेवलों का जीवन काल जंगलों में 10 वर्षों का होता है और अगर ये नेवले कैद में हैं तो ये लगभग 20 सालों तक भी जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नेवले के कुछ प्राकृतिक शिकारी भी होते हैं, जिनसे बचकर इन्हें अपनी ज़िंदगी हासिल करनी होती है। जो नेवले आकार में बड़े होते हैं, वो अपने शिकारियों से बच निकलते हैं, लेकिन जो छोटे नेवले होते हैं, वो बड़े शिकारियों द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं और कभी कभी इन पर जहरीले सांपों द्वारा भी हमला होता रहता है। लेकिन ये अपनी चालाकी और फुर्तीले स्वभाव के कारण ये उनसे मुकाबला करके अपनी जान बचा लेते हैं और इनकी इसी प्रतिभा के कारण ये पूरे एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में पनपने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन मानव द्वारा जंगलों के अत्यधिक विनाश के कारण इनके प्राकृतिक आवास को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण इनकी संख्या में गिरावट बढ़ती जा रही है, जो सच में बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।